हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लर्निंग आउटकम्स पर आधारित कक्षा 8वीं की, वैसे आपका जो सामाजिक विज्ञान है उसका 10वां टॉपिक औरतों ने बदली दुनिया, इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, साथ ही साथ इससे पहले के 1 से लेकर 9 तक के टॉपिक, सभी टॉपिक के आंसर हमारे इस चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो चैनल पर विजिट कर आप इससे पहले के 9 चैप्टर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए, कुछ इस प्रकार का आपका ये है, सीखने के प्रतिफल आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको ये सब सारी चीज़ें बॉक्स में, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद आप देखिए, विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय आपसे बोला गया है। तो देखिए, विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद आपका देखिए, कुछ इस प्रकार से ये आया हुआ है कि देखिए, बॉक्स बॉक्स आपको यहाँ पर दिए हुए, महिला के विकास में बाधाएं एवं परिणाम, ये भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बाधाएं परिणाम समाधान हेतु प्रयास। तो इन कॉलम को भी आपको 1, 2, 3 तीनों के 3-3 पॉइंट आपको यहाँ पर दिए हुए, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देखिए, नीचे आपको फिर से इस तरीके से दिया गया, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियाँ हासिल करने वाली प्रमुख भारतीय महिलाएँ, इनको भी आपको पढ़ना है। इसके देखिए, इसके बाद ये पूरा यहाँ तक आपका, यहाँ तक आपको पूरा अच्छे डिटेल में पढ़ना है सारी चीज़ें। इसके बाद आपका देखिए, अभ्यास हेतु वर्कशीट आपकी यहाँ से प्रारंभ होती है। इसके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, कौन क्या काम करता है। तो देखिए, कौन क्या काम करता है, तो देखिए आपको बॉक्स दिया हुआ है। देखिए, किसान, किसान क्या काम करता है, कृषि करता है, आपको यहाँ कृषि लिखना है। सेकंड है मील मजदूर, मील मजदूर क्या करता है, मजदूरी करता है। इसके बाद थर्ड है आपका नर्स, तो नर्स क्या करती है, आपका इलाज करती है या फिर ट्रीटमेंट, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इलाज आपने आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका आगे है आपका वैज्ञानिक, वैज्ञानिक क्या करते हैं, आपके शोध करते हैं, तो आपको शोध लिखना है। पायलट क्या करते हैं, प्लेन चलाते हैं, तो आपको यहाँ प्लेन चलाना लिखना है। इसके बाद शिक्षक क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना आपको यहाँ लिखना है। इस तरीके से जो है, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको देखिए इस तरीके से लिख लेने हैं। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला गया कि महिलाओं के काम को कम आंकने की मानसिकता में परिवर्तन के लिए कौन सा कदम उठाया गया है। तो आंसर आपको लिखना है, महिलाओं के प्रारंभिक स्तर से ही विचार परिवर्तन हेतु पाठ्यक्रम में विषय वस्तु जोड़ी गई है। तो ये आपका इसका सेकंड का आंसर आपका ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका देखिए थर्ड है, तो थर्ड क्वेश्चन आपको बोला गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था का कानून किसके लिए वक्यो बनाना पड़ा होगा। तो आपको आंसर लिखना है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था का कानून महिलाओं के लिए बनाया गया, क्योंकि इसके कारण महिलाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। तो इसका इसका आंसर आपको थर्ड का ये पूरा आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। देन देखिए आगे आपका प्रोजेक्ट वर्क यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। आपको पहला देखिए बोला गया यहाँ पर क्वेश्चन, आपके परिवार या मोहल्ले या गाँव की सबसे शिक्षित महिला से बातचीत कर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कीजिए, लिखिए। तो देखिए, आपको शिक्षित महिला आपके गांव, शहर या फिर परिवार या फिर मोहल्ले में जो सबसे शिक्षित महिला है उसका यहां पर आपको नाम लिखना है। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने लिखा है रानी मिश्रा, आपके मोहल्ले, आपको यदि चाहते हैं आप तो आप पूछ सकते हैं, आपके मोहल्ले, गांव या फिर परिवार में जो भी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की होगी उसका आपको यह नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा रानी मिश्रा, किस स्थान पर शिक्षा प्राप्त की है, तो कॉलेज का नाम कोई भी जहाँ से उन्होंने लास्ट बार जो कॉलेज किया, तो मैंने लिख दिया पीजी कॉलेज बालाघाट। इसके बाद आपको देखिए थर्ड है, किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की, तो आपको यहाँ लिख देना कुछ भी जहाँ तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जैसे मैंने लिख दिया MSc। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 प्रोजेक्ट कार का आंसर आपको ये पूरा लिखना है। देन आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपके मतानुसार बालिकाओं के लिए शिक्षा परम क्यों, शिक्षा क्यों आवश्यक है, तो महिलाओं के लिए या फिर बालिकाओं के लिए शिक्षा आवश्यक क्यों है। तो आंसर आपको लिखना है, बालिकाओं के लिए शिक्षा परम आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा से ही उन्हें सही चुनाव करने हेतु प्रेरणा मिलेगी और उनके जीवन के सभी क्षेत्र सुखमय होंगे। ये आपको इसका आंसर लिखना है, आप चाहे तो उसके अलग टाइप में भी लिख सकते हैं, बाकी ये भी आपका आंसर सही होगा। इसके बाद देखिए आपका स्व आकलन हेतु वर्कशीट आपकी यहाँ से प्रारंभ होती है। पहला बोला गया, निःशुल्क शिक्षा के कारण किन बालिकाओं को विशेष लाभ हुआ है। सरकारी शालाओं में बालिकाओं को पुस्तकों के अतिरिक्त मिलने वाली 2 अन्य सुविधाओं के बारे में बताइए। तो आंसर आपको लिखना है, निःशुल्क शिक्षा के कारण गरीब बालिकाओं को विशेष लाभ हुआ, सरकारी स्कूल में बालिकाओं को पुस्तकों के अतिरिक्त
अतिरिक्त मध्याह्न भोजन और स्कूल ड्रेस के लिए पैसे सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। ये आपका इसका जो आंसर हो जाएगा पहले का ही पूरा यहाँ तक। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए आगे आपका बोला गया अमृता शेरगिल व रानी लक्ष्मीबाई के प्रसिद्ध होने के कारण थे, तो आपको आंसर लिखना है अमृता शेरगिल पेंटिंग के क्षेत्र में व रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों का विरोध करने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन का पूरा। इसके बाद नेक्स्ट है भारत की सबसे पहली डॉक्टर व पायलट महिला कौन थी, तो आपको आंसर लिखना भारत की पहली डॉक्टर जो महिला थी वो थी आनंदी गोपाल जोशी व प्रथम पायलट महिला कैप्टन प्रेम माथुर थी। आपका इसका जो आंसर हो जाएगा। देन आगे है आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन, आपके क्षेत्र में प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी पत्रकार डॉक्टर के बारे में जानकारी बताकर लिखे, तो आपका स्टेट है मध्य प्रदेश। तो मैंने लिखा है मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध महिला, आपको हेडिंग डालनी है और आपको पहले में लिखना है खिलाड़ी, तो खिलाड़ी में आप लिख सकते हैं वर्षा वर्मन, ये आपका हो जाएगा। सेकेंड आपका पत्रकार, तो आपको लिखना है मल्लिका कपूर। थर्ड है आपका डॉक्टर, तो आपके क्षेत्र में डॉक्टर गीता रानी जो भोपाल की डॉक्टर है, ये आपके जो प्रसिद्ध डॉक्टर में से एक है, तो आपको इनका भी नाम यहाँ पर लिख लेना है, वर्षा वर्मन, मल्लिका कपूर और गीता रानी, ये तीनों जो है खिलाड़ी पत्रकार और डॉक्टर के क्षेत्र में प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे आपको कौन से चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए कॉमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।